हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाब। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वीकली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, जिसका 1 ईयर मैंने यहां पे बैक टेस्ट करके रखा हुआ है। ये है ना बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आप सिर्फ इसको बैंक निफ्टी में ही करोगे, निफ्टी में इसको बिल्कुल मत ट्राई कीजिए, क्योंकि निफ्टी में इसका विनिंग रेट बहुत ज़्यादा बुरा है, ठीक है। मैं खुद पर्सनली इसको चेक किया था तो निफ्टी में मुझे बिल्कुल ना इसका विनिंग रेट सही नहीं लगा, मगर बैंक निफ्टी में ना बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर विनिंग रेट मिला है मुझे। तो मैं बैंक निफ्टी में जो भी यहाँ पर मैंने बैक टेस्ट करके रखा 1 ईयर का, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रैटेजी को पहले हम समझेंगे कि स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद हम टारगेट कितना लेना है प्रॉफिट को वो देखेंगे, और स्टॉप लॉस कितना लेना है वो देखेंगे, और मार्जिन यहाँ पे कितना लग रहा है वो देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप एडजस्टमेंट को आप भूल जाइए। ये स्ट्रैटेजी है ना उन लोगों के लिए जो बिगनर हैं और जिनको एडजस्टमेंट करना नहीं आता है, जिनको एडजस्टमेंट करना हेक्टिक लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए ना जो एक स्टॉप लॉस के साथ में काम करना चाहते हैं, सिर्फ जैसा ही कुछ मतलब लॉस होता है स्टॉप लॉस लेके उसको एग्जिट कर दिया और टारगेट लेके एग्जिट कर दिया, टारगेट या फिर स्टॉप लॉस, तो ऐसे लोगों के लिए है ना ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त है, और विनिंग रेट में ना बहुत अच्छा है। तो आप मान के चलिए आप बहुत ज़बरदस्त आप वीकली है ना प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ पे 4% से लेके आप 15% तक का भी यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो कैसे यहाँ पे करना है आप डिटेल में मैं बताऊँगा। आप ना वीडियो एंड तक बने रहिए, और उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे ना बहुत सारे पहले भी मैंने यहाँ पे एक एक साल के बैक टेस्ट यहाँ पे करके रखा है, बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज है जिनका मुझे विनिंग रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है। आप देख सकते हैं 2000, 200, 10,000 तक, ये कैलेंडर वाली को तो 10,000, यहाँ पे मुझे कैलेंडर वाली स्ट्रैटेजी को 10,000 व्यूज़ मिले हैं। तो 1,000, 2,000, 2,500, 1,500 इस तरह यहाँ पे व्यूज़ मिले हैं। तो आप इन वीडियोज़ अगर नहीं देखे अभी तक तो आप इन वीडियोज़ को एक बार देख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे हम पॉइंट पे आते हैं। अभी देखिए हम डालना कैसे है, इसको डालना सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको है ना जो 80 रुपी प्रीमियम रहेगा उससे कम वाले है ना करेंट एक्सपायरी का एक एक लॉट को आपको पुट और कॉल दोनों भी यहाँ पे सेल कर देना है, बस इतना ही है। और एक पॉइंट होगा, और दूसरे पॉइंट जो आप जो प्रीमियम बिलो 80 का जो सेल करते हैं उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। 2 करने के बाद जो आपको हाफ आएगा ना, जो हाफ प्रीमियम को भी है ना 2 लॉट आपको करेंट एक्सपायरी को सेल कर देना है। मतलब एक तो आपको करेंट एक्सपायरी का बिलो 80 वाला प्रीमियम का सेल करना होगा, और दूसरा आपको क्या करना होगा जो इसका हाफ रहेगा उसके हाफ को भी है ना पुट और कॉल दोनों भी सेल करना होगा। और नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाना, नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाके जो आप फर्स्ट सेल करते हो ना उससे थोड़ा कम है आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का बाई करना है एक एक लॉट पुट और कॉल। बहुत सिंपल है, मैं आपको है ना ऑप्शन पे लेके जाके दिखाता हूँ, एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा। बहुत मतलब बहुत आसान है, आप जस्ट सिर्फ मुझे 2 से 3 मिनट दीजिए, मैं आपको कैसे आपको मैजिक करके दिखाता हूँ आप, ठीक है। आप देखिए तो, और ये ट्रेड है ना सिर्फ फ्राइडे डालना है, ठीक है। फ्राइडे डालना है, 3/15 को डालना है, और थर्सडे तक हमें ट्रेड को लेके जा सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ, एक बार स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। निफ्टी पे तो आप बिल्कुल आप ट्राई मत करो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ना ये एक मंथ है कि यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर ये थोड़ा फास्ट होता है तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ का भी करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं वीडियो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए इसीलिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जनवरी पे आता हूँ। जनवरी फर्स्ट एक्सपायरी है हमारे 5 जनवरी, तो यहाँ पे एक्सपायरी तो मैंने सेलेक्ट किया, तो स्टार्ट डेट भी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करता हूँ। स्टार्ट डेट हमारा रहेगा फ्राइडे, राइट। तो फ्राइडे अभी जो लास्ट मंथ जो वीक था उसका कहाँ पे है, ओके, यहाँ पे 30 तारीख को, मतलब 29 दिसंबर का ना मंथली एक्सपायरी था, अगले दिन फ्राइडे, राइट। फ्राइडे 30 तारीख था, यहाँ पे 30 तारीख मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ना मुझे क्या करना होगा, 2023 जनवरी 5 एक्सपायरी, ठीक है। वीकली है ना ये, तो वीकली यहाँ पे लेना है। और टाइमिंग मैंने क्या बोला आपको, 3/15, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3/15 पे यहाँ पे पहुँच गया, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/15, 3/16 हो गया एक्सपायरी, फर्स्ट एक्सपायरी है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूँ। मैंने क्या बोला आपको, सिंपल, देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको बिलो 80 वाला, बिलो 80 वाला यहाँ पे कहाँ है पुट, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसका हाफ कौन सा होगा, एक तो ये तो सेल करना ही होगा, और इसका हाफ लगभग 37-32 होगा, राइट। तो इन दोनों में आप कौन सा भी एक आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना ही इस एक्सपायर में, उसी तरह सेम कॉल साइड भी करना है, ठीक है। अगले वीक में आपको बाई करना है, बस किसका जो सेल किया आपने इसका, इससे थोड़ा नीचे वाला आपको बाई करना है नेक्स्ट एक्सपायर पे। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अभी एक सेल करता हूँ। पहली बार तो पुट है ना, यहाँ पे मैंने एक लॉट सेल कर दिया, ओके। और यहाँ पे देखिए 32 यहाँ पे दूसरा मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, उसका हाफ राउंड फिगर पे रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप 37 भी सेल किए तो तब भी चलता है, तो थोड़ा जितना दूर रहोगे उतना सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। इसीलिए तो उसी तरह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल साइड भी जो नीचे मतलब 80 के बिलो है, 76 है, तो 76 को मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। और 76 का हाफ कितना है,
76 का ऑफ यहाँ पे 33 में ले लेता हूँ, ठीक है चलेगा, 28 भी लिए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर मुझे 33 यहाँ पे सही लग रहा है, 33.9 मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, एक तो बिलो 80 वाला सेल कर दिया, और जो मैंने जो सेल किया इसका हाफ यहाँ पे मिल रहा है तो उसको एक सेल किया। सेम पुट साइड भी वैसे ही किया, कॉल साइड भी वैसे ही किया। तो अभी है ना मुझे नेक्स्ट एक्सपायरी को बाई करना होगा, जैसे आप कैलेंडर पे करते हैं ना सेम वही है यहाँ पे कैलेंडर वाला। मैं गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए जो मैंने फर्स्ट सेल किया बड़ा वाला प्रीमियम कोर्स है 76 है और 76 है राइट। तो अभी मुझे बाई ऐसा प्रीमियम करना है जो 76 के थोड़ा नीचे रहे। तो अभी मैं 76 पे आता हूँ, पुट कहाँ पे 76, यहाँ पे 74 है, तो मैं इसको बाई कर देता हूँ क्योंकि 76 के नीचे है राइट, तो 74 मैं यहाँ पे बाई कर देता हूँ। उसी तरह यहाँ पे कॉल साइड भी 76 के नीचे जो रहेगा उसको हमें बाई करना है। यहाँ पे देखिए 76 से नीचे 69 है, तो मैं यहाँ पे 69 यहाँ पे बाई किया। ओके तो देखिए यहाँ पे ट्रेड अभी बन के रेडी हो गया, यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है आपको, रेंज भी यहाँ पे दिख रहा है, रेंज है ना यहाँ पे बहुत बड़ा आपको मिल जाता है, तो आपको है ना एडजस्टमेंट करने की भी मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब इसमें तो मैंने तो एडजस्टमेंट का मैंने तो बोलूँगा ही नहीं क्योंकि ये बिना एडजस्टमेंट का किया हुआ स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा अगर आप एडवांस रहे, थोड़ा आप स्किल्ड रहे, तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करके भी यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं वैसे भी। पर फिर भी है ना यहाँ पे ना इस ट्रेड जो मैंने बैक टेस्ट किया हुआ, ये SL इधर SL और टारगेट, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बैक टेस्ट करके यहाँ पे दिखाया हुआ। चलिए मैं क्या करता हूँ, वन डे पे क्लिक करता हूँ ताकि थोड़ा वीडियो जल्दी हो सके 30 मिनट्स फॉरवर्ड किया तो थोड़ा मैक्सिमम प्रॉफिट भी ज़्यादा आपको लॉस या प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। मगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वन डे पे क्लिक करता हूँ ताकि थोड़ा फास्ट यहाँ पे मुझे प्रॉफिट या लॉस जो भी है दिखे एक्सपायरी तक राइट। तो देखिए मैं 2 दिन फॉरवर्ड किया तो 1200 यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, मैं तीसरे दिन फॉरवर्ड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2900 यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो एक्सपायरी के दिन देख सकते हैं आप यहाँ पे 3170 ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। अब देखिए अभी बस 5 मिनट यहाँ पे रह गया, 5 मिनट मैंने फॉरवर्ड किया तो 3280 यहाँ का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है राइट। तो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किए, कुछ नहीं किए। मगर यहाँ पे क्या होता है, क्या यहाँ पे है ना ये जो रेंज है ना बहुत ज़्यादा बड़ा मिलता है बैंक निफ्टी में, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है। ओके तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी पे आपको लेके चलता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्राइडे आना राइट, 5 तारीख को एक्सपायरी था, अभी अगले दिन क्या होगा 6 फ्राइडे। ओके फिर मैं 12 तारीख एक्सपायरी का ले रहा हूँ अभी, उसके बाद गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूँ। नहीं अभी यहाँ पे टाइमिंग पे आना है ना, 3:15 को हमें आना है, ठीक है लास्ट क्लोजिंग टाइम पे, क्योंकि है ना मार्केट जो फ्राइडे जितना मोमेंट करेगा, मोमेंट करने उस मोमेंट से बचने के लिए हमें है ना पूरा वी डे के ना लास्ट में हमें यहाँ पे इवनिंग पे ट्रेड डालने की कोशिश करना है। ओके क्योंकि जो भी फ्राइडे पे जो मोमेंट होगा उस मोमेंट से बचना है, इसीलिए यहाँ पे देखिए 80 की बिलो अभी 74 है, तो मैं यहाँ पे 74 यहाँ पे सेल किया। और 74 का हाफ कितना है, तो लगभग आप 31 लेंगे तो 62 होगा, 37 भी लेंगे तो चलेगा। मैं 31 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सेफ्टी बढ़ जाता है, थोड़ा दूर होता है 100 पॉइंट तो अगेन तो सेफ्टी बढ़ जाता है राइट। तो वहाँ पे बस उतना ही है। और यहाँ पे देखिए 80 के बिलो अभी यहाँ पे कितना मिल रहा है, 68 मिल रहा है, तो 68 को सेल कीजिए। और 68 का हाफ है ना 31 में लेता हूँ, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, 31 लीजिए, 37 भी लीजिए चलेगा, मगर 31 सेफ्टी के लिए मैं 31 ले लिया। तो अभी ये तो होगा, अभी नेक्स्ट एक्सपायरी को अभी हमें क्या करना है, बाई करना है। मतलब करेंट एक्सपायरी को 2 सेल करना है, पुट एंड कॉल, और नेक्स्ट एक्सपायरी को उसके अगले एक्सपायरी पे बाई करना है। वो भी कैसे बाई करना है, प्रीमियम ऐसे रहना है जो इसके जो बड़े प्रीमियम के ना एग्जैक्टली नीचे वाले प्रीमियम को आपको बाई करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ 19 यहाँ पे जनवरी पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी का है। और यहाँ पे प्रीमियम कितना है, 74.6 है, 68.35। तो 74.6 के जो नीचे रहेगा उसको मुझे पुट बाई करना होगा, 74 के और नीचे जो क्या है 67 है यहाँ पे, तो 67 में यहाँ पे बाई करता हूँ। और यहाँ पे क्या 68 कुछ था ना राइट, तो 68 के नीचे जो रहेगा 65 है, तो मैं यहाँ पे 65 यहाँ पे बाई करता हूँ। बस बहुत सिंपल है, आपको ट्रेड है ना आपको उतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा डालने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस 2 सेल कर दो 1 बाई कर दो, बस उतना ही है। तो यहाँ पे देखिए मैक्स प्रॉफिट 4800 यहाँ पे दिख रहा है। जैसे अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अगले दिन चलता हूँ, तो यहाँ पे 870 यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे देखिए अगेन आपको 2070 यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। ओके तो और 2900 यहाँ पे तीसरे दिन मिल रहा है, और एक्सपायरी के दिन तो आपको 3270 यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। तो मैं SL के भी आपको बताऊँगा, SL कब लेना है कैसे लेना है, ठीक है। SL भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, अगर आप SL लेने पे ज़्यादा भी डिले करोगे तो आपको बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं। मैं स्टॉप लॉस के बारे में बताऊँगा, उससे पहले एक बार आपको एक बार दिखा दूँ कि ट्रेड कैसे डालते हैं। ओके तो मैं क्या करता हूँ अभी 3:15 पे पहुँचता हूँ, 3:15 पे क्या है गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम 80 के बिलो 74 है, तो मैं यहाँ पे 74 सेल करता हूँ, ठीक है। 74 का हाफ आप 34 ले लीजिए चलेगा।
ओके 40 पे लिए तो भी चलेगा। अगेन मैं बोला आपको सेफ्टी थोड़ा, आपको सेफ्टी के लिए थोड़ा दूर ही रहना है। ओके अगेन यहाँ पे 72 यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं 72 कॉल साइड का मैंने यहाँ पे सेल किया, और 72 का हाफ यहाँ पे है ना 33 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है 33 ले लिया। अभी नेक्स्ट एक्सपायरी क्या करना है, हमें बाई करना है। ओके तो ना 19 जनवरी पे तो करंट एक्सपायरी है, तो 25 नेक्स्ट एक्सपायरी रहेगा। तो गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए 74 है 72 है राइट, तो 74 के बिलो जो प्रीमियम रहेगा उसको हमें बाई करना है 74 एज इट इज़। तो 65 में यहाँ पे बाई करता हूँ मैं। ओके इस साइड भी 74 73 कुछ था राइट, तो उस हिसाब से मैं 63 ही यहाँ पे भी बाय कर देता हूँ। चलेगा, देखिए आपको एक 100 पॉइंट आगे पीछे है ना चल जाता है थोड़ा, कुछ उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है ट्रेड पे। ठीक है यहाँ पे देखिए मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे आपको 4500 यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं अगले दिन चलता हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है अपन को। देखिए 1300 2300 यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है आपको। ठीक है यहाँ पे देखिए 2880 यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट तो देखने के लिए मिलते हैं, मगर है ना लॉस भी बहुत ज़बरदस्त देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है आपको ये बात समझना होगा, 2800 यहाँ पे 70 प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया इस वीक में राइट। तो ठीक है अभी इसी तरह हम अगले अभी नेक्स्ट एक्सपायरी पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप देख सकते हो हम पे कितना 25 जनवरी है राइट, तो स्टार्ट डेट एंड डेट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ फ्राइडे 3:15 को मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ। ओके पहुँच गया, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमिंग है ना 3:15। तो अभी अगेन क्या करना है, हमें जो 80 बिलो का 80 है ना, 80 के बिलो कितना है प्रीमियम 76 है, तो मैं 76 को पुट यहाँ पे सेल कर रहा हूँ उसके, और हाफ कितना होगा लगभग 33 आप ले लीजिए अच्छा रहेगा। ओके उसी तरह यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे 67 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो 67 आपको यहाँ पे कॉल को सेल करना है, और 67 का हाफ है ना 26 आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 36 भी लिए तब भी चलेगा, वही सेफ्टी का ही मामला है, आपको जितना सेफ्टी चाहिए उतना आप दूर ही आप सेल करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं 2 फरवरी एक्सपायरी लेता हूँ अगले एक्सपायरी जो रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 76 और 67 के बिलो हमें दोनों प्रीमियम लेना है, तो 76 के बिलो कौन सा है यहाँ पे, 76 के बिलो है ना 64 है, तो मैं यहाँ पे 64 को बाई करता हूँ। ओके तो उसी तरह और पुट कॉल का कितना है 67 है, तो 67 के एग्जैक्टली नीचे अभी जो रहेगा हमें वो बाई करना है 67, तो 66 है तो चलेगा बिल्कुल चलेगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। ओके तो यहाँ पे देखिए अभी 3956 यहाँ पे 56 प्रॉफिट है मैक्स प्रॉफिट, और बैंक ब्रेक इवन रेंज आप देख सकते हैं। ठीक है मैं नेक्स्ट डे अभी वन डे मूव करता हूँ, 637 यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, अगेन मैं वन डे मूव करता हूँ, अभी देखिए 2500 प्रॉफिट चल रहा है। इतने बड़े बड़े प्रॉफिट मिल रहे हैं तो आप क्यों रुकते हैं मार्केट पे राइट, तो लेके निकल जाना। ये देखिए 1500 आपको क्लोजिंग टाइम पे लॉस दे रहा है अभी। ठीक है तो इस तरह होता था क्या है मालूम, जितना आपको बड़े बड़े प्रॉफिट आपको देगा तो उतना ही देखिए बड़े बड़े लॉस भी यहाँ पे दे देता है आपको, इसीलिए ना आपको एसएल लेके चलना है। अभी ये देखिए इस ट्रेड पे क्या हुआ है आपको, यहाँ पे क्या हुआ है आपको, पहले कितना 2500 उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप 30 मिनट्स आप चेक करके देखोगे ना, ये मुझे पूरा यकीन है 3000 के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिला होगा यहाँ पे। ठीक है 2500 तो आपने देख लिया मैं वनडे पे जब क्लिक किया, मगर 3000 3500 तक भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। अगर आप बुक नहीं किया ऑन टाइम देखिए आपको लॉस हो गया। तो ये चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहली बात आपको टारगेट सेट करना होगा कि आपको कितना टारगेट लेना चाहिए, और आपको स्टॉप लॉस भी सेट करना होगा कि कितना यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए। इन दोनों को आप प्रॉपर सेट नहीं करोगे तो आप इस ट्रेड से है ना बहुत बुरी तरह यहाँ पे पिटोगे राइट, तो बहुत बुरी तरह यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है कभी भी। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, टारगेट और ESL। ठीक है हम टारगेट और ESL पे हम अभी बताता हूँ मैं, बस अभी इसको एक बार ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं मार्जिन पे भी बताता हूँ मार्जिन कितना लगने वाला है। ठीक है तो अभी ये तो हो गया, अभी कितना देखिए जो प्रॉफिट वाला था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया राइट। तो अभी ये एक तो मंथ ख़त्म हो गया, अभी ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है छोड़ दीजिए अभी बस इतना ही। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक तो है ना आपको प्रॉफिट है ना बड़े बड़े मिल रहे हैं, कोई बात नहीं बड़े बड़े तो मिलते ही यहाँ पे, बड़े बड़े 3000 2000 2500 तो आराम से मिल ही जाते हैं, मगर ESL पे है ना आपको बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं। आप अगर आप ESL 2000 से लेके 2500 के जब क्रॉस करता है ESL, मैं अक्सर देखा हूँ बैक टेस्ट जो वन ईयर का मैंने 2023 का जो बैक टेस्ट किया हुआ है, तो जो 2500 को जो क्रॉस करता है ना वो बहुत दूर तक चला जाता है लॉस, मतलब हो सकता है वो 20000 हो सकता है, हो सकता है 30000 भी हो सकता है, हो सकता है वो 2000 ही होता है, हो सकता है वो सिर्फ 500 हो सकता है, 6 रुपये 7 रुपये में लॉस देखा हूँ मैंने,
मतलब बड़े बड़े प्रॉफिट दिखने के बाद भी लॉस होता है, कभी कभार फर्स्ट डे से ही आपको लॉस दिखने लगता है। जब फर्स्ट डे से ही लॉस दिखता है ना, तो आंख बंद करके उस ट्रेड को उस वीक क्लोज करके ख़त्म कर दो। और जो जितना आपको लॉस रहेगा ना, लॉस पे आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लॉस को, अगर वो भी खास करके 2500 आप ले सकते हो, बिल्कुल आप 2500 के यहाँ पर लॉस को आप फिक्स कर सकते हो, ओके। और प्रॉफिट भी है ना 2500 यहाँ पर सेट कर सकते हो। पर मेरा है ना, मेरा जो इंडिविजुअल जो सजेशन रहेगा, मैं क्या करता हूँ, मैं इससे भी मैं कम आपको बोलूँगा, क्योंकि आपको है ना जो मार्जिन लगने वाला बहुत कम लगने वाला, उस हिसाब से आपको 1500 यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 1500 प्रॉफिट और 1500 लॉस, आप ये अगर आप फॉलो करोगे तो और भी अच्छा है, और भी आपका सेफ्टी बढ़ेगा, और भी आपका विनिंग रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो इस ट्रेड पे आप देखिए, यहाँ पे जैसा अभी यहाँ पे प्रॉफिट इतना बड़ा मिला, फिर कन्वर्ट हो गया यहाँ पे लिखा हूँ मैं अगेन 1100, यहाँ पे देखिए आफ्टर 231 एक्सपायरी फाउंड 1100-1300 लॉस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है। तो SL आपको क्लियर कट लेना है और टारगेट भी क्लियर कट लेना है आपको। ज़्यादा देर तक यहाँ पे मार्केट के साथ में फाइट नहीं करना है, अगर मार्केट के साथ में फाइट किया तो बहुत बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूँ। ये है ना, मैंने ट्रेड में कभी भी इस स्ट्रैटेजी पर नहीं लिया हूँ, आपको ये बात क्लियर कर दूँ मैं। ये स्ट्रैटेजी है ना, मुझे किसी ने है ना, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बताया कि सर ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, एक बार मुझे बैक टेस्ट करके दिखाई गई। तो मैंने बैक टेस्ट किया तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं इस पर अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर मैं ट्रेड तो लिया नहीं हूँ बिल्कुल, आपको ये बात मैं क्लियर कर दूँ। मगर यहाँ पे जो बैक टेस्ट पे जो डेटा मिला हुआ ना, तो एज़ इट इज़ मैंने यहाँ पे दिया हुआ। चलिए मैं आपको टोटल अभी यहाँ पे कितना कितना प्रॉफिट हुआ आपको दिखाता हूँ। जस्ट मैं स्क्रॉल करते चलता हूँ, आप यहाँ पे देखते रहिए कितना कितना प्रॉफिट मिला। यहाँ पे देखिए एक स्टॉप लॉस मिला, 2 महीने में आपको बस एक स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला है, ओके। और यहाँ पे है ना एक यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला था, ये प्रॉफिट लास्ट में एक्सपायरी के टाइम पे लॉस में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए मैं मूव करते चलता हूँ, आप देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे स्टॉप लॉस मिला है। प्रॉफिट देखिए ना कितने बड़े बड़े, 3000, 3700, 3000, 3200, राइट। यहाँ पे देखिए 2500, 3000, 1900 एक स्टॉप लॉस यहाँ पे भी देखने के लिए मिला है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 3 महीने में आपको 4-5 महीने में ना बस 3 स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने के लिए मिले, ज़्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है। तो बड़े बड़े प्रॉफिट भी हैं, और यहाँ पे है ना जैसे जैसा यहाँ पे ईयर को एंड पे आ रहे हैं, हम यहाँ पे प्रॉफिट भी छोटे छोटे होते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए 900, 2000, 400, 1700, 1000 इस तरह यहाँ पे प्रॉफिट मिले हैं। लास्ट में दिसंबर नवंबर में देखिए, नवंबर में तो आपको सिर्फ 200-400 इस तरह यहाँ पे प्रॉफिट मिला हुआ है, ठीक है। लॉस तो हुआ नहीं आपका, पर प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, ओके। और यहाँ पे देखिए दिसंबर जो 6 की एक्सपायरी यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो स्टॉप लॉस मैं किसको बोल रहा हूँ, मेरे माइंड में है ना 2500 है, राइट। तो 2500 को जब लॉस क्रॉस हो जाता है तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस पे, तो उसको स्टॉप लॉस पे कंसिडर किया हूँ मैं, ओके। तो आप है ना इससे भी छोटा भी लॉस ले सकते हैं, चाहे आपका अगर रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप थोड़ा और बड़ा आप लॉस लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट भी तो बड़े बड़े होते हैं। जिस हिसाब से आपको वीकली प्रॉफिट हो रहा है उस हिसाब से आप लॉस भी लीजिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2000, 2900, 1600 इस तरह यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेल शीट में आपको मैंने ऑलरेडी आप यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला है बैंक निफ्टी के जो वीकली यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, ओके। तो यहाँ पे मार्जिन अभी कितना लगेगा, ठीक है। मार्जिन आपको ना कम लगेगा मार्जिन, ये देखिए मैंने यहाँ पे जो लेटेस्ट जो यहाँ पे ट्रेड डाल के चेक किया हुआ है, 31 जनवरी जो अभी परसों होने वाला है, आज तो 27 डेट है, तो परसों अभी एक्सपायरी है, राइट। तो उस एक्सपायरी के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड डाल के देखा, तो मुझे है ना मार्जिन यहाँ पे कितना लग रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिर्फ 1,29,000। 1,29,000 में आपको कितने बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं, राइट। 3000, 4000 इस तरह यहाँ पे प्रॉफिट हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट हैं। तो आप लॉस भी उस हिसाब से ले सकते हैं, आपका जो रिस्क कैपेसिटी है उस रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप लॉस ले सकते हैं, मगर यहाँ पे मार्जिन है ना बहुत कम लगता है। अगर इससे भी आपको मार्जिन कम करना है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बाइंग दूर करना, एक्स्ट्रा बाइंग कीजिए आप, जो 5 रुपये 10 रुपये वाला होगा एक्स्ट्रा, 1-2 लॉट आप बाइंग और भी एक लॉट बाइंग ऐड किए तो और भी यहाँ पे है ना मार्जिन कम हो जाएगा। ये मार्जिन डायरेक्ट कितना होगा, 70,000 तक भी आप यहाँ ना इस लॉस को आप लेके आ सकते हो, ओके। तो ये मार्जिन तो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे दूसरी बात और क्या है, यहाँ पे टारगेट तो हो गया, अभी टारगेट मैंने बोला आपको, टारगेट हो गया, SL हो गया, मार्जिन हो गया, एडजस्टमेंट तो आपका है नहीं, और एक्सेल शीट में मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ओके। तो अभी एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, एक तो बात है यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है, अगर है भी तो फिर भी है ना वीकली में ना जब ओवर रेट का टेंशन रहता है, अगर ह्यूज गैप अप हुआ, ह्यूज गैप डाउन हुआ, ऐसे टाइम पे आप फंस सकते हैं। वैसा भी एक साल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, 1 ईयर 2023 में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मगर मार्केट पे क्या भरोसा कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
3 बजे है ना नेक्स्ट डे 3:20 को है ना आप एक एक एक्स्ट्रा बाइंग करके हेज करके अगेन नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं उसको एग्जिट करके उसको सेव कर सकते हैं राइट। नेक्स्ट डे अभी क्या पता कितना बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा। आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ कि आप साथ में बाइंग है ना हेज करके लेके जाइए फर्स्ट डे सॉरी 3:15 को 3:15 3:20 को आप बाइंग कीजिए। अगले दिन मॉर्निंग ओपनिंग होते ही उस जो जो आप हेज करके रखते हैं उसको निकाल दीजिए जितना भी प्रॉफिट हो जितना भी लॉस हो उसको एग्जिट कर दीजिए बस और पूरा दिन आप देखते रहिए ठीक है। जस्ट बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन से बचने के लिए आपको मैं ये तरीके यहाँ पे बता रहा हूँ और उसके बाद तो लाइव मार्केट में जो आपको जो लॉस दिखेगा आपके एस एल के पास हिसाब से अगर लॉस आ रहा है तो एग्जिट कीजिए अगर टारगेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट आ रहा है तो उसको भी एग्जिट कीजिए बस। अभी कुछ लोग अभी कमेंट में डालते रहते हैं कि ओवरनाइट का डर लगता है सर तो ओवरनाइट का डर लगता है तो ये आपको सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है 3:20 को है ना आप एक कॉल बाई कीजिए ओके और एक पुट बाई कीजिए सिंपल एक कॉल बाई कीजिए एक पुट बाई कीजिए और अगले ही दिन ओपनिंग पे है ना वो दोनों हेज को निकाल दीजिए बाइंग वाला जो आपने बाई करते हो बस सिंपल। उससे क्या रहेगा आपको डर भी नहीं रहेगा आप भी रिलैक्स रहोगे और आप रिस्क से भी बच जाओगे तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके अलावा है ना आपको वीकली पे है ना थोड़ा रिस्क तो रहेगा ही ठीक है। वीकली पे जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है तो फिर आपको थोड़ा वीकली पर रिस्क रहेगा ही। अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं आप मंथली पे शिफ्ट कीजिए ठीक है। मंथली पे वो भी निफ्टी पे शिफ्ट कीजिए क्योंकि बैंक निफ्टी पे ना बहुत खतरनाक बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रहता है बहुत बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं मंथली पे आप शिफ्ट कीजिए मंथली पे सेफ रहेगा बिल्कुल। तो अगर आप मंथली पे मेरे साथ मैं भी है ना लाइव क्लासेस यहाँ पे जो बिगनर्स हैं इंटरमीडिएट हैं मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सारा यहाँ पे सिखा के है ना उनको फिर अगेन 3 महीने के लिए लाइव पे मैं यहाँ पे 3 मंथ्स लाइव पे मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड करके आपको सिखाता हूँ दिखाता हूँ ठीक है। लाइव एडजस्टमेंट करके भी दिखाता हूँ मंथली है ना बहुत ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पे जो ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रैटेजी है मेरी वो मैं यहाँ पे इस कोर्स में यहाँ पे सिखाता हूँ पूरा एडजस्टमेंट प्रॉपर हर चीज़ डिटेल में सिखाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अगर सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे टॉप दिख रहा होगा या फिर इसी वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन सॉरी वीडियो मोबाइल नंबर है ना डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है वहाँ से आप ले सकते हो ओके। तो यहाँ पे ऑलरेडी 7 क्लासेस हो चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पे है ना मंथली ट्रेड कल भी है ना एक हमने यहाँ पे फरवरी के लिए अभी जनवरी खत्म हो रहा है राइट अब फरवरी के लिए यहाँ पे मंथली ट्रेड हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ये जो प्राइवेट रहेगा स्ट्रीमिंग हमने स्ट्रीम किए थे लाइव किए थे जिसका है ना day 1 यहाँ पे कंप्लीट होगा। यहाँ पे ना मैं आयरन काउंटर और लाइव डिप्लॉयमेंट करके दिखाया हूँ 2 लॉट रियल मनी के साथ में ओके। तो ये लाइव अगर आप इसे लाइव में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कभी भी ओके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।